भाजपा के फायर ब्रांड नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि अवैध खनन के खिलाफत करना नहीं छोड़ूंगी। उमा भारती ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी की सरकार को घेरा और कहा सरकार के मुखिया के गृह जिले में ही अवैध खनन नहीं रुका। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर एमपी की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कमाल तो यह है कि हमारी सरकार के मुखिया के जिले में भी उनकी छाती के ऊपर अवैध खनन हो रहा है, वो उनको रोक नहीं सके। क्या सत्ता इतनी असहाय है इन तीन माफियाओं के सामने? पावर माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, इनके सामने सत्ता मजबूर हो गई है क्या? मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। तो क्या हुआ कि मैं वहीं थी, मैंने कलेक्टर को फोन किया। इसमें बहुत मजेदार बातें होती हैं, आपको पता नहीं। खनन में वो कहते हैं कि वो पर्यावरण वालों ने जब तक आपत्ति नहीं करेंगे हम नहीं कर सकते कार्रवाई, एसपी कह देता है। ठीक है, फिर पुलिस भी चाहिए होती है, ये पर्यावरण वाले कह देते हैं, एसडीएम कह देता है। तो मैंने कहा कि मंत्री को अदालत बुला लेनी चाहिए, कोर्ट बुलाना जिसको कहते हैं। पर्यावरण भी होगा, पुलिस भी होगी, एसडीएम डीएम भी होगा, तो तीनों मिलकर तय कर लेंगे कि खनन रोकना है। तो नहीं हो सकता, तो बोले आप ये बात कह दीजिए ऊपर, जिस अधिकारी ने कहा मैं उसका नाम नहीं लूंगी। लेकिन इतना फायदा जरूर हुआ कि बाद में उन्हें पूछा कि क्यों चल रहा है, नहीं तो उनका हमारा लठ लेके, तो वो बोले कि नहीं अभी तो बंद है। तो अभी भी मैं जब निकली थी वहां से तो बंद था उतनी जगह का, अब बाकी तो मैंने जो बताया है वो मैंने देखा नहीं अपनी आंखों से। एक बार मैंने पिपरिया के पास नर्मदा जी का खनन देखा था, लेकिन मैं भगवंत सिंह जी के यहाँ बैठने जा रही थी, जो नहीं रही विधायक, तो इसलिए मैं रुकी नहीं थी। मुख्यमंत्री उमा भारती ने 2024 में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव लड़ती हूं तो रेत उत्खनन मामला, प्रदेश में शराबबंदी और गौ माता की रक्षा का बीड़ा उठाऊंगी। उमा भारती ने कहा कि 6 लाइन और 4 लाइन सड़कें तो बना दी जाती हैं, लेकिन उनमें फेंसिंग नहीं की जाती, जिसके कारण गौ माता सड़कों पर आकर अपनी प्राण गंवा देती हैं। उमा भारती ने कहा कि मंत्री और अधिकारी केवल उगाई का काम कर रहे हैं, आपकी रॉयल्टी पे कर रहा था, क्योंकि उसके पीछे के खलनायक दूसरे थे, उसके नाम पे खाली लाइसेंस बना हुआ था, इसलिए ये तेंदूपत्ता हुआ, रेत हुई, ये तो आधार है। नदी केवट की है, जंगल आदिवासी के हैं, मंदिर पुजारी का है और खेत किसान के। नहीं, वो तो केवट वाला भी नहीं कर रहे, वो तो केवट से खाली उगाही कर रहे हैं। केवट का काम जो वहाँ हो रहा है वो तो वहाँ के जो दबंग किस्म के लोग हैं, जिनकी बंदूकें लेके लोग चारों तरफ घूम रहे हैं, जो वहीं से मछलियां निकाल निकाल के भून भून के पिकने के मना रहे हैं, रात भर शराब पी पी करके उसकी बोतलें वहीं फेंक रहे हैं, वो वहीं बैठे होते हैं, पूरे गांव उनसे भयभीत होते हैं, उनके धुनों से, उनकी अवैध हथियारों से और उनकी फर्राटेदार गाड़ियों से पशु भी मरते हैं और लोग भी मरते हैं, ये वो लोग। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।